मुंबई के एंटीलिया के बाहर मिली स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हीरेन की मौत का मामला उलझता ही जा रहा है। कल देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में मामले को उठाया, वहीं शिवसेना के पूर्व कॉरपोरेटर धनंजय गावड़े ने फडणवीस के आरोपों से इनकार कर दिया। पहले मुकेश अंबानी के घर के सामने विस्फोटक से भरी कार, इसके बाद उस कार के मालिक मनसुख हीरेन की रहस्यमयी मौत और लाश का ठाणे क्रीक से मिलना, ये मामला हर रोज और गहराता जा रहा है, पहले से ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा में इस केस पर खूब हंगामा हुआ। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सदन में मनसुख हीरेन की पत्नी के बयान को पढ़कर सुनाया। मनसुख की पत्नी ने हत्या के मामले में दर्ज कराई एफआईआर में दावा किया है कि उनके पति का कत्ल एपीआई सचिन वाजे ने किया है। फडणवीस ने सचिन वाजे की गिरफ्तारी की मांग की है, जिसमें उनकी पत्नी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो डिटोनेटर वाली स्कॉर्पियो थी, ये स्कॉर्पियो क्राइम के सचिन वाजे एपीआई इन्होंने नवंबर से लेकर तो 5 फरवरी 2021 तक वो उनके पास थी, 4 महीने उसका इस्तेमाल वो कर रहे थे। ये मनसुख हीरेन जो है इनकी इंक्वायरी भी उन्होंने ही की। फडणवीस ने शिवसेना के पूर्व कॉरपोरेटर धनंजय गावड़े को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। फडणवीस ने आरोप लगाया है कि हीरेन मनसुख के फोन की आखिरी लोकेशन गावड़े के दफ्तर के पास मिली है और गावड़े सचिन वाजे के साथ एक वसूली के केस में आरोपी रहा है। ये गावड़े और सचिन वाजे 2017 में एक एक्सटॉर्शन के केस में साथ में थे और दोनों ने साथ में उस केस में एंटीसिपेटरी बेल ली थी। इसका मतलब यह है कि उसके बाद उनकी बॉडी दूसरे दिन मिलती है, तो ये सारे कोइंसिडेंसेस नहीं है, सोची समझी साजिश के तहत ये मनसुख हीरेन इनकी हत्या की गई है और इसमें सीधे सीधे जो सचिन वाजे है उनका हाथ नजर आता है और इसलिए हमने ये मांग की थी कि उनको अरेस्ट किया जाए। शिवसेना नेता गावड़े ने फडणवीस के लगाए आरोपों और इस केस से अपना कोई लिंक होने से इनकार किया है। ये जो प्रकरण है इससे मेरा कुछ लेना देना है नहीं। कल मैंने जो दरेकर साहब का स्टेटमेंट सुना उसमें ऐसा था कि सचिन वाजे और धनंजय के संबंध है, तो मेरी उनसे खास गुजारिश रहेगी कि मेरे संबंध के बारे में एक भी सबूत वो एस्टेब्लिश करके दिखाए। दूसरी बात, मनसुख हीरेन इससे ना मेरा कभी पहचान थी ना लेना देना है था और ना कभी है। अंबानी के घर के सामने गाड़ी में मिले विस्फोटक मामले की जांच एनआईए कर रही है, वहीं हीरेन मनसुख की मौत की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही है। इसकी जांच महाराष्ट्र शासन की एटीएस कर रही है और इस जांच में जो भी चीजें आगे आएंगी उसके तहत जो कोई भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। विधानसभा में आज एक एपीआई है हमारे महाराष्ट्र पुलिस की, उनका नाम ही लिया गया। ऐसा है कि जब एटीएस इसकी जांच कर रही है, पूरे सत्य को खंगारने की कोशिश कर रही है, ऐसे वक्त में जो भी कोई सचिन वाजे रहो और या और कोई रहो या उसके ऊपर का कितना भी बड़ा अधिकारी हो, जो भी कोई दोषी इसमें होगा उसके ऊपर कड़क कार्रवाई एटीएस द्वारा होगी। इस बीच इस केस से जुड़े कई ऐसे सवाल हैं जो काफी शंका पैदा करते हैं। जैसे सवाल नंबर 1, हीरेन मनसुख की गाड़ी 17 फरवरी को इस कदर खराब हो गई थी कि वो चल नहीं सकती थी, मनसुख को कैब करनी पड़ी थी, तो फिर सवाल ये है कि क्या चोर गाड़ी चुराने मैकेनिक के साथ आया था या क्रेन लेकर आया था या फिर चोर खुद ही मैकेनिक था। सवाल नंबर 2, मान भी लीजिए कि गाड़ी चोरी हो गई तो फिर 17 फरवरी की रात से लेकर 25 फरवरी तक ये स्कॉर्पियो कार कहाँ खड़ी थी, क्योंकि 25 फरवरी को ही इस गाड़ी में विस्फोटक रख कर उसे एंटीलिया के बाहर पार्क किया गया था। सवाल नंबर 3, वो सफेद इनोवा कहाँ गायब हो गई जो इस स्कॉर्पियो के साथ एंटीलिया के बाहर गई थी, स्कॉर्पियो में बैठा ड्राइवर उस इनोवा में बैठकर इनोवा समेत कहाँ गुम हो गया। सवाल नंबर 4, क्या ठाणे से एंटीलिया तक पहुंचने की इस कहानी का सिरा मनसुख से जाकर मिलता था या मनसुख को इस साजिश की सच्चाई का पता चल गया था। सवाल नंबर 5, क्या साजिश में शामिल शख्स मनसुख का कोई जानने वाला था या मनसुख को अंधेरे में रखकर उस शख्स ने ये सारी प्लानिंग की थी और फिर सच सामने आने के डर से उसने मनसुख को खामोश कर दिया।
एक चीज साफ है कि अगर मनसुख का सचमुच कत्ल हुआ है तो फिर उस कत्ल के तार सीधे एंटीलिया के बाहर खड़ी उस स्कॉर्पियो कार से जुड़ते हैं। यानी अगर मनसुख का कातिल हाथ आ जाए तो एंटीलिया की साजिश पूरी तरह बेनकाब हो जाएगी। इस मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है, वही दूसरी तरफ कुछ अनसुलझे सवाल भी है। कैमरा वैभव कनकर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।